हेलो गाइस, मैं हूं पुनीत और स्वागत करता हूं आप सभी ऑक्सिंग के ई पैनलिस्ट का अपनी यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड ज्ञान पे। गाइस, जैसे कि आप लोग ऑक्सिंग के ई पैनलिस्ट हो और आप भी अपने विड्रॉल लगाए हुए अमाउंट का वेट कर रहे हो कि कब आपका अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए, वैसे ही जितने भी ई पैनलिस्ट हैं अपने अमाउंट का वेट कर रहे हैं और उनके मन में क्वेश्चन है जो आपके मन में भी होगा। और सारे ई पैनलिस्ट के मन में कई क्वेश्चंस इस समय बहुत ही तेज़ी से लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि हमारा अगस्त का पेमेंट कब आएगा। हमारा अगस्त का पेमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का आ भी रहा है। किन लोगों का अगस्त का पेमेंट आ रहा है, किन लोगों का अगस्त पेमेंट नहीं आ रहा है, सितंबर का विड्रॉल लगाया हुआ पेमेंट कब स्टार्ट होगा, हमारा पेमेंट आएगा भी यही या नहीं आएगा, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज के इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। गाइज, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा धैर्य बना करके। गाइज, वीडियो में कुछ बताने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, वो ये कि हम लोग YouTube पे वीडियो बनाते हैं और आप लोग इस वीडियो को देखकर कुछ सीखते हैं और कभी कभी कहीं कहीं आपको मिल जाते हैं गलत इन्फॉर्मेशन भी। तो गाइज़, यहाँ पर मैं जो आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप मैं कहीं से इन्फॉर्मेशन ले करके, चाहे वो कस्टमर केयर से चाहे अपने सीनियर से इन्फॉर्मेशन लेके बस आप तक पहुँचा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। और बात रही कि मैं अगर बता दूँ कि इतने तारीख तक पेमेंट आ जाने की उम्मीद है, तो आ ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं ले सकता। मैं ही क्या, कंपनी भी बोलती है तो उसने बोला था कंपनी ने कि सितंबर का लगा हुआ पेमेंट एक हफ्ते के बाद स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसका भी पेमेंट नहीं आया। सो गाइज, यहाँ पे हमें बस वेट करना है कि कब हमारा पेमेंट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई बता दे रहा है कितने तक आ जाएगा तो आ ही जाएगा, इसकी कोई खास गारंटी नहीं ली जा सकती। सो गाइज, वीडियो में क्या है, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो पेमेंट लगाया था, मेरा पेमेंट आया है कि नहीं आया है, कब तक का पेमेंट नहीं आया है, आया है, ये सब आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं रिलायंस में जाकर के आपको अपने बैंक विड्रॉल वाले सेक्शन में जाकर के दिखाई देता हूँ, लॉगिन करके आपको उसी पेज पे डायरेक्ट पहुँचा देता हूँ। गाइज, मैंने वो पेज लॉगिन कर रखा है, अब मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। गाइज, आप जो कि हमारा अगस्त का पेमेंट आना शुरू हो गया है, तो उसमें कई सारे लोगों का पेमेंट आ भी गया है, कई सारे लोगों का पेमेंट नहीं आया है। तो इनमें से एक कंडीशन ये भी उत्पन्न हो रही है कि कई सारे लोगों का पेमेंट आ भी गया, उनको नहीं पता चल रहा है कि पेमेंट आया है कि नहीं आया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि विड्रॉल की मैसेजेस मोबाइल पे नहीं आती है बैंक के द्वारा। तो आप लोग अपने ऑक्सिंग के पोर्टल पे भी चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है कि नहीं किया गया है। और एक कंडीशन आ सकती है कि आप अगर पहली बार विड्रॉल कर रहे हो तो शायद आपका अकाउंट सही नहीं हो, इसलिए पेमेंट ना आ रहा। तो आप यहां से कोई भी जो आपका इशू है तो यहां पे आप क्लियरली चेक कर सकते हैं। ये वाला आपको बैंक विड्रॉल, जैसे कि आपको ओपन करना है बैंक विड्रॉल स्टेटमेंट, आपको ओपन कर लेंगे यहाँ पे, जहाँ से आप बैंक विड्रॉल लगाते हैं वहाँ ये ओपन कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे मेरा दिखाई दे रहा होगा 2812 रुपये। यहाँ पे ऊपर आएंगे तो आप लोग यहाँ पे विड्रॉल रिक्वेस्ट के बगल में आपको पेंडिंग पे आउट का ऑप्शन दिख जाएगा। पेंडिंग पे आउट के ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो विड्रॉल लगाए थे, तो मतलब दूसरा विड्रॉल पहले लगाया था, तो दूसरा विड्रॉल मैंने 3500 रुपये का लगाया था। तो 3500 रुपये का जो मैंने विड्रॉल लगाया था, वो मैंने किस डेट को लगाया था, ये वाला डेट आप देख सकते हैं, 11/8/2020, मतलब 11 अगस्त को मैंने ये पेमेंट लगाया था। और ये मेरा पेमेंट का स्टेटस आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट का स्टेटस पेंडिंग में है। और गाइज, ये वाली जो मेरी आईडी है, इससे ये मेरा पहला पे आउट था, मतलब पहला पे आउट था, फिर भी हमारा पेमेंट नहीं आया है। सो आप लोग कंडीशन अपना समझ लें, अपने से कंपेयर कर लें कि आपका कब लगाया गया था, उससे कंपेयर कर लें कि मेरा नहीं आया है तो शायद आपका भी ना आया हो। और बहुत सारे लोगों का आ भी रहा है, और मेरे टीम में कई सारे लोगों का पहले भी, ये मेरी दूसरी आईडी है, तो पहले वाली आईडी के नीचे जो लोग हैं उनमें से कई सारे लोग जो पहले 2 अगस्त के लगभग का पेमेंट लगाए थे, उनका विड्रॉल आ भी चुका है। और मेरा दूसरा वाला विड्रॉल देख सकते हैं आप लोग अपने सामने, 2756 रुपये का मैंने लगाया था इसको, सितंबर में जो एक हफ्ते का टाइमिंग दिया गया था उसमें लगाया था मैंने, 8 सितंबर को। ये वाला पेमेंट आप लोग देख सकते हैं जैसा कि पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पे।
और रिमार्क जैसा आप लोग देख सकते हैं, इसमें रिमार्क मैंने डाला था, इसमें डाला था, इससे कोई मतलब नहीं है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि 11 तारीख को मैंने लगाया था तो मेरा पेमेंट नहीं आया है, और 11 तारीख तक जिन्होंने लगाया है, 13 तारीख तक जिन्होंने लगाया है उनका पेमेंट अभी सारे लोगों का नहीं आया है। तो उनमें से किन लोगों का नहीं आया है, किन लोगों का आ रहा है, इस वीडियो में मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। गाइस जो लोग नए हैं, मतलब जिनका पहला पेमेंट है, उनका पेरोल कंपनी पहले दे रही है, और एक और कंडीशन है कि जो जिनका अमाउंट कम है कंपनी उनका पैसा पहले उनको दे रही है। और जैसे कि आप लोग को बता दूं, अमाउंट लगभग 5000 के लगभग का, जिनका अमाउंट उससे कम है 5000 के लगभग का, उनका अमाउंट लगभग सबसे पहले दिया जा रहा है। और अभी 13 तारीख है तो मेरा नहीं आया है पेमेंट, तो आ जाएगा, थोड़ा सा वेट कर तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ। और गाइस सितंबर का पेमेंट मैं आपको बता दूं कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और अगस्त का पेमेंट जब क्लियर कर लेगा हाउसिंग, जैसे कि हाउसिंग के मैंने सीनियर लीडर से बात की तो उन्होंने कहा कि 13 तारीख तक उम्मीद है कि सबका पेमेंट अगस्त तक का क्लियर कर दिया जाएगा, उसके बाद सितंबर वाला स्टार्ट होगा। तो 13 तारीख के बाद हो सकता है कि स्टार्ट हो हमारा सितंबर वाला पेमेंट। और जैसा कि कंपनी का नोटिफिकेशन एक बार दिया गया था, 30 से 90 दिन लग जाएंगे सितंबर वाले पेमेंट में, तो नोटिफिकेशन सही साबित नज़र आ रहा है, क्योंकि लगभग 30 दिन तो हो ही जाएंगे। तो 30 से 90 दिन में कंडीशन क्या होता है कि उस 30 से 90 दिन के बीच जिनका पेमेंट कम होगा, कम अमाउंट का, उनका पहले दिया जाएगा, जिनका नया होगा अकाउंट उनका पहले दिया जाएगा, यही सब कंडीशन है। जिनका बड़ा अमाउंट होगा उनको लेट से पे आउट किया जाएगा, उनका लेट से अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऐसे कंपनी का कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं पेमेंट को लेकर के। और गाइस कंपनी ने कई सारे नए नए फीचर्स भी लॉन्च किए हैं सेलिंग को लेकर के, तो इस समय उनकी बात करना तो व्यर्थ ही है, क्योंकि अभी तो सारे लोग अपने अकाउंट में पैसे आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी वे लोग सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ऑक्सिंग में लोगों की ज्वाइनिंग जी जान से लगानी है, इसको आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, वो तो पेमेंट पे निर्धारित करता है कि पेमेंट, मतलब कंपनी हमारे साथ कैसा करती है, हमारा पेमेंट सही से देती है कि नहीं देती है, और आगे कंपनी का क्या मतलब फ्यूचर प्लान है, मतलब कंपनी अपने, मतलब शक्ति ठाकुर अपनी कंपनी ऑक्सिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे साथ कि नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसा सब देख करके, उनके प्लान्स को देख करके लगता है कि अभी कंपनी नए नए जो अपना प्लान ला रही है, तो हो सकता है कि आप मतलब आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, अभी तो कुछ नहीं कह सकता, अपने पेमेंट का वेट करिए। आप सितंबर तक का पेमेंट 30 से 90 दिन लग सकते हैं, जो लोग का मैंने बताया, जो लोग का कम अमाउंट है उनका पहले दिया जाएगा। और गाइस इस वीडियो में मैंने जो कुछ छोटी मोटी बातें छूट गई होंगी तो आप कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा, और मैं सारे कमेंट्स के आंसर देता हूँ जो जितना मेरे से करते बनता है। और गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने टीममेट्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँच पाए। और गाइस मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।